सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, वापस हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और इस बार आपको पता है, मैंने पिछली बार कुछ कहा था आपसे कि टाउन हॉल 7 से हम लोग पुशिंग करने वाले, वो भी लेजेंड लीग तक। क्या आपको याद है किसने किसने वो वीडियो देखी थी जिसमें हमने यहाँ पे नेम चेंज किया था, हमने रखा था सूरज ओपी। और इस आईडी से देखो गाइस, यहाँ पे गोल्ड 2 इसका ऑल टाइम बेस्ट है। और भाई काफ़ी दिन हो गए थे यार, कोई मतलब ऐसी कोई आईडी पे पुशिंग नहीं की लो टाउन हॉल पे, तो मन कर रहा था कि चलो टाउन हॉल 7 पे ही कर लेते हैं। सो इस अगर आप लोग भी मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हो, एकदम शुरुआत से लेके लेजेंड लीग, एकदम सीधा सिल्वर लीग से लेके सीधा एकदम, भाई समझ रहे हो गाइस, एकदम 5000 के ऊपर जाएंगे। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो साथ में ज़रूर करेंगे। अगर आप करना चाहते हो या फिर करोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर बता देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो काफ़ी मज़ा आएगा, कम्पीट करेंगे, मतलब हम लोग देखेंगे कि भाई कौन पहले लेजेंड लीग करेगा। तो गाइस यहाँ पे ये वाली आईडी जो है ना, इसमें काफ़ी अच्छे जेम्स भी है। और उसके साथ ही यहाँ पे एक्चुअली यार गाइस बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, लेकिन यार टाउन हॉल 7 पे ट्रेडर अवेलेबल ही नहीं है टाउन हॉल 8 से, तो मुझे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता अगर टाउन हॉल 8 होता तो। और उसके साथ ही गाइस नई यहाँ पे सीनरी वगैरह तो काफ़ी मज़ा आया देख के। तो अभी क्या करने वाला हूँ, देखो मैं इसकी लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, लाइव स्ट्रीम्स पे भी आना ज़रूर, बेल आइकन प्रेस करना। और यार गाइस सब्सक्राइब करो यार, 1.5 लाख सब्सक्राइबर प्लीज़ करवा दो, हमको पहुँचना है यार जल्दी जल्दी से। कहाँ तक पहुँचना है, वही 1,50,000। लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आती है तो। उसी के साथ गाइस चलो हम लोग ना अटैक्स करेंगे इस वीडियो में, और जितनी ज़्यादा ट्रॉफीज हो जाए ना, मतलब मिले हमको, उतनी यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे एकदम ज़्यादा ही लोअर लीग में हो तो मज़ा आएगा अटैक करने के लिए, ठीक है, मतलब एकदम इजी बेसिस मिलेंगे फटाफट हम लोग यहाँ पे क्लियर करके। ओ भाई साहब 31 ट्रॉफी है इसके ऊपर, तो यार अभी मैं क्या करूँ, अभी इनके ऊपर अटैक करके ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे करके। तो चलो अभी इसके ऊपर जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं अटैक, इस टाउन हॉल 6 से आई थिंक सो ये ओके। तो यहाँ पे हमको देखो, अभी शुरुआत में तो एकदम बहुत इजी होगा, लेकिन आगे आगे आपको कैसे कौन से ट्रूप्स यूज़ करने हैं ना, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसीलिए गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर फॉलो करना। अगर कहीं पर आप लोग मतलब आप एक लिमिट तक आके अगर आप आगे पुश नहीं कर पा रहे हो तो यार आपका भाई ये आपके लिए, मतलब आप मुझे बता देना कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा उसके लिए। तो चलो गाइस यहाँ पे फर्स्ट अटैक 31 ट्रॉफीज, और इसी के साथ हम लोग आ जाएंगे लीग में। एंड अभी आउट ऑफ लीग थे हम लोग, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें अटैक नहीं हुआ था इस वजह से। और गाइस आपके पास कितने केक्स आए यार, वो मुझे बता देना गाइस, ये जो 9th एनिवर्सरी केक्स है ये मुझे ज़रूर बता देना। तो चलो यहाँ पे 31 ट्रॉफीज़ के साथ हम लोग सीधा बढ़ते, और एकदम अलग ही लग रहा है यार गाइस, फील आ रहा है कि यहाँ पे मुझे इस मतलब आईडी में अटैक करने के लिए। चलो अभी हम लोग सिल्वर लीग से देखते कितना यहाँ पे हम लोग, और फटाफट जल्दी जल्दी ऊपर जाना है हमको। पहले तो क्रिस्टल लीग है, फिर मास्टर लीग है, फिर उसके बाद चैंपियन, फिर उसके बाद टाइटन, एंड देन लास्ट लेजेंड लीग। ओके तो अभी देखते हैं कितना दिन हमको लगेगा इससे पहुंचने के लिए, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए। आप लोग भी स्टार्ट करो यार गाइस, साथ में करेंगे काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी देखते हैं कोई एक अच्छा सा वापस से बेस, एंड एक्चुअली ये बेस तो भाई क्या बोलूँ, इतने अच्छे इजी बेसेस आ रहे ना, लिटरली मज़ा आ रहा है अभी इन पर अटैक करके। आगे एकदम देखो धीरे धीरे करके ना आगे मिलना गायब हो जाएंगे। तो ये टाउन हॉल 7 का बेस है, 30 तो एटलीस्ट सही है यार, 30 तो आराम से मिल रही है, 23 ओके, थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हो जाएगा, मिलेगी अभी जस्ट देखो एक दो बेस के बाद मिल जाएगा 30 ट्रॉफीज़। तो पहले 30-30 करके एटलीस्ट मैं क्रिस्टल लीग पहुंच जाऊँ, फिर उसके बाद हम लोग को टाउन हॉल 8 ऐसा मिलना स्टार्ट होगा, टाउन हॉल 9 स्टार्ट होगा। और ये देखो टाउन हॉल 8 का नाम लिया भाई, टाउन हॉल 8 मिल गया। तो चलो यार ऐसे टाउन हॉल 8 के ऊपर अटैक करें क्या, चलो यार कर लेते हैं, मज़ा आएगा। ओके सीसी में हमारे पास एक्चुअली फिलहाल कुछ नहीं है, बलून से और लूट देख लो यार, काफ़ी मस्त है टाउन हॉल 8 के ऊपर। तो पिछली पुराने यादें ताज़ा हो जाएगी, जिस पर मतलब बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए थे टाउन हॉल 7 के ऊपर, काफ़ी मज़ा आया था मुझे भी उस पर बनाना। तो अभी वापस से हम लोग थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, आई होप सो ये सीरीज़ कंटिन्यू करते करते हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो जाए, क्योंकि थोड़ा पुशिंग के मामले में थोड़ा बहुत मतलब पहले से कर रहे तो थोड़ा आइडिया है। तो अभी चलो गाइस इसके ऊपर ना टूशर अटैक करते हैं, ये हमारे टाउन हॉल 8 के ऊपर। और मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि टाउन हॉल 9, टाउन हॉल 10 पे के ऊपर कैसे 2-स्टार अटैक्स करने हैं। ओके काफ़ी अच्छे ट्रिक्स है गाइस, वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो अभी यहाँ से गाइस टाउन ये मिनियंस भी, अगर मिनियंस भी यूज़ करना पड़ता है हमको, क्योंकि हर बार ना सिर्फ यहाँ पे ड्रैगन्स काम नहीं आते, कभी कभी ना मिनियंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ पे देख लेते गाइस टाउन हॉल के ऊपर। ओ भाई साहब मुझे लग रहा है टाउन हॉल को स्कीप कर देंगे यहाँ पे, ओ माय गॉड, ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टाउन हॉल को स्किप कर दिया लगता है,
किंग पहुंचेगा क्या हमारा, देखते क्या होगा। किंग तो नहीं पहुंचेगा। ये देखो ऐसी ऐसी चीज़ें आती है ना, देखो काफ़ी दिनों के बाद जाके कर रहा हूँ अटैक, इस वजह से मैं भी ये प्रॉब्लम्स फेस करूंगा। लेकिन मैं इस किंग को पता नहीं यार शायद भेज सकता हूँ क्या नहीं भेज सकता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है टाउन हॉल के ऊपर। तो देखते हैं, अभी लेवल 5 का किंग है तो ओके वेट करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो एक ओके ओके मिल गया, तो अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओह शिट, नहीं यार एलिक्सर। ओह भाई साहब यहाँ पे विजार्ड टार के ऊपर चला गया किंग। तो देखो ऐसी ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी कि मतलब भाई टाउन हॉल यहाँ पे है लेकिन मेरे ड्रैगन सारे घूम गए, क्योंकि मैंने एकदम से सीधा स्पैम कर दिया था। क्योंकि और आपको ड्रैगन्स का पता ही है, जहाँ पर जाएंगे ना वहाँ पर मतलब जहाँ पर बिल्डिंग्स मिलेगी वहाँ चले जाएंगे। तो इससे कैसे बचना है ना, इसका भी सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए किंग मैंने सोचा था कि टाउन हॉल के ऊपर जाए, लेकिन भाई वो किंग को अभी क्या बोले, किंग अलग ही नशे में है और वो चला गया, उसको मतलब नज़दीक वाला विजार्ड टावर दिखा इसलिए वो घूम के ऐसा गया। आई थिंक सो ये दो वॉल्स नहीं तोड़ना चाहता था, ये वाली सिंगल वॉल से ही अंदर उसको मिल गया एक ये डिफेंस। तो चलो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एक और अटैक करते देखते, एक और हम लोग टाउन हॉल 8 के ऊपर ही करते हैं। चलो ये हो गया 1 स्टार। सो गाइस यहाँ पर हमको एक टाउन हॉल 9 का बेस मिला इस बार। तो यहाँ पे मैं वापस अभी सीसी के बलून्स भी है, तो क्या हम लोग इसके ऊपर 3 स्टार कर सकते हैं क्या, आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं एक्चुअली मतलब थोड़ा सा ऐसा सोच रहा था कि यहाँ पे 3-3 एयर डिफेंस है, लेकिन यहाँ पे ये रही लेवल इनकी ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसकी इसके ऊपर मैं 3 स्टार अटैम्प्ट दूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये वाली एयर डिफेंस को निकालना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे ड्रैगन चला जाएगा, उसी के साथ यहाँ पे फनल करना है हमको ये वाली साइड से, ताकि मैं सारे ड्रैगन्स वो वाले किनारे से एकदम भेजूँ और ये वाले। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या हम लोग इस टाउन हॉल लाइन के ऊपर 3 स्टार अटैक कर सकते हैं क्या, देखते हैं। ओ शिट भाई, हमारा ड्रैगन यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट में इसके, क्या उसे बोलते एयर डिफेंस के। तो अभी देखना पड़ेगा क्या होता है। ये वाले सारे के सारे ड्रैगन्स तो आ रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर। यहाँ पे भी मैं एक और रेज, यहाँ पे एक रेज, कमॉन बलून्स बलून्स कमॉन, लेट्स गो, ऊपर आ जाओ जल्दी से आ जाओ ऊपर। ऑल राइट, यहाँ पे बलून्स भी आ चुके हैं ऊपर गाइस। तो आई होप सो कि ये वाला अटैक हो सकता है। चलो यहीं पर मैं एक और रेज कर देता हूँ, ताकि बलून से वहाँ पर, और बलून्स भाई आगे आगे भागेंगे ना, काफ़ी सारा डिफेंस ले लेंगे। और ये देखो जैसे गाइस मैंने आपको कहा था, देखो ऐसे ना काफ़ी सारे बेसिस मिलेंगे जिसके ऊपर ना भाई कुछ भी डिफेंस नहीं होगा, मतलब समझ लो जैसे कि नहीं क्या वो सिर्फ वॉर के लिए बनाते ना, वैसे बेसिस होंगे कई सारे मिलेंगे और अजीबोगरीब बेस मिलेंगे भाई। क्या बताओ आपको, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तभी तो उसके ऊपर मैं वीडियोज़ भी ज़रूर बनाऊंगा, तो आप ज़रूर एंजॉय करोगे गाइस। ये सीरीज़ आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करना, अगर आप मेरे साथ ट्रॉफी पुश भी नहीं अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी आप प्लीज़ देखना वीडियोस, आपको कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट सीखने को मिलेगा, जिससे आप लोग आपके जो टाउन हॉल पर खेल रहे हो ना उस पर आप वो ये करो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, समझ यार गाइस, मतलब वो उसे आप वो कर लो ठीक है जो भी हो। तो यहाँ पे गाइस ये हो चुका अटैक हमारा 3 स्टार टाउन हॉल 9 के ऊपर। और इससे पहले टाउन हॉल 8 का था बेस, उसके ऊपर एक्चुअली आपको पता है ड्रैगन्स ने कैसा कैसा मतलब एक रूट फॉलो किया और 2 स्टार से बच गए। लेकिन भाई अगला ही टाउन हॉल 9 का बेस जिसके ऊपर ज़्यादा कुछ था नहीं, उसके ऊपर 3 स्टार। तो चलो गाइस ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा आपके लिए एंड लाइव स्ट्रीम्स भी करेंगे, उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखना। और गाइस लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, प्लीज़ करवा दो। और 150,000 सब्सक्राइबर करने हैं गाइस इस महीने तो करने ही है एटलीस्ट। तो चलो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच और बाय।